हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जो पबजी का बैन से रिलेटेड एक न्यूज है वो, तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर पबजी बैन होता है तो फिर हमें आगे क्या देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो क्यों ना वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो क्यों ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो कल यहाँ पे न्यूज आई थी कि जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई एक लिस्ट तैयार कर रही है जिसमें जो 257 ऐप्स हैं टोटल, और उसमें यहाँ पे जो पबजी है वो भी इंक्लूडेड है, पबजी मोबाइल मेरा मतलब है। तो यहाँ पे ये एक एक करके जो सारे ऐप्स हैं 257 के 257 ऐप्स हैं, तो उनको एक एक करके यहाँ पे चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इन ऐप्स से हमारी जो प्राइवेसी या फिर डाटा शेयरिंग को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ अगर इनको लगता है कि जो ऐप्स हैं वो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कोई थ्रेट है, तो यहाँ पे उनको ये काफी इजिली यहाँ पे बैन कर सकते हैं, और इसमें पबजी मोबाइल भी इंक्लूडेड है। तो इस न्यूज के साथ यहाँ पे एक और चीज मेंशन थी कि जो पबजी मोबाइल है उसके साथ यहाँ पे जो बाकी के इन्होंने 49 ऐप्स यहाँ पे बैन किए हैं, जो कि पहले के 59 ऐप्स इन्होंने जो लास्ट मंथ यहाँ पे बैन किए थे, तो उन्हीं के यहाँ पे वो जो लाइट वर्जन थे। तो इससे एक चीज क्लियर है कि अगर यहाँ पे पबजी मोबाइल बैन होता है तो यहाँ पे पबजी मोबाइल लाइट भी बैन होगा, तो क्योंकि वो उसका लाइट वर्जन ही है। और उसके साथ अगर यहाँ पे पबजी मोबाइल इसमें इंक्लूडेड है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बाकी के गेम्स हैं टेंसेंट गेम्स के, जिसमें जो टेंसेंट की यहाँ काफ़ी मेजर या फिर काफ़ी छोटी स्टेक है जिसमें उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे बाकी की जो गेम्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगी, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, ब्रॉल स्टार, क्लैश ऑफ क्लैंस, और बाकी की यहाँ पे जो और गेम्स होंगी टेंसेंट की पॉपुलर, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होगी। और अगर यहाँ पे ये पबजी मोबाइल को सेम रीजन से बैन करते हैं, अगर ये डाटा सिक्योरिटी या प्राइवेसी इसके लिए, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो बाकी की गेम्स हैं वो भी यहाँ पे बैन हो कुछ इसी तरीके से, वो भी शायद वर्क करती होंगी, क्योंकि ओवरऑल गेम तो टेंसेंट गेम्स की है, तो उन्होंने यहाँ पे बनाई है, तो सिमिलर यहाँ पे उनका जो मैकेनिज्म होगा बनाने का वो भी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे पर्सनल लगता है कि अगर यहाँ पे जो इंडिया में पबजी मोबाइल बैन नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेंसेंट गेम्स की ये गेम्स है, आप देख सकते हो जो बाकी की फॉरेन गेम्स है तो उसको देख सकते हो, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा हमारा जो पबजी मोबाइल है वो यहाँ पे काफी कम ही परमिशन मांग रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोफोन की मांग रहा है, जो कि हमारे वॉइस चैट के लिए यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज है, जो कि हमारी ओबी फाइल्स और बाकी का जो गेम फाइल्स होती है तो उनको रीड करने के लिए यूज होता है। तो इससे ज्यादा यहाँ पे जो पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन है वो तो हमें मांग नहीं रहा, लेकिन उसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ पे जो पबजी मोबाइल का चाइनीज वर्जन है गेम फॉर पीस, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा हमसे परमिशन मांगता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा जो पहले लोकेशन है, उसके बाद यहाँ पे माइक्रोफोन है, एसएमएस है, स्टोरेज, टेलीफोन, तो दुनिया भर के यहाँ पे परमिशन मांग रहा है सिर्फ कैमरा को छोड़ के। तो पता नहीं यहाँ पे इन्होंने मेरी लोकेशन, एसएमएस और टेलीफोन का क्या करना है गेम खेलते वक्त, क्योंकि इनका यहाँ पे कुछ ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन पबजी मोबाइल हमारे पास यहाँ पे सिर्फ माइक्रोफोन और स्टोरेज की परमिशन मांग रहा है। तो अगर हम इस नजर यहाँ पे देखें, इसको देखें, तो यहाँ पे पबजी मोबाइल का बैन होना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर गवर्नमेंट यहाँ पे फिर भी अगर इसको ना चाहते हुए भी बैन कर देती है किसी और रीजन से या फिर सेम रीजन से, तो आपका हो सकता है कि फ्यूचर में आपको यहाँ पे पबजी मोबाइल का एक इंडियन वर्जन देखने को मिले, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो एक वियतनाम का वर्जन है, जो कि मेरे ख्याल से वीएनजी गेम पब्लिशर ने यहाँ पे जो पब्लिश किया है वियतनाम में, तो उनके लिए यहाँ पे ये सिर्फ एक्सक्लूसिव एक वर्जन है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से काफी कम प्लेयर्स ही हैं जो यहाँ पे खेलते होंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर यहाँ पे एक और वर्जन भी है जो ताइवान का वर्जन है, होटकूल गेम्स ने यहाँ पे पब्लिश किया है। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट पबजी मोबाइल को बैन करती है इसी रीजन से कि जो डाटा सिक्योरिटी या फिर जो उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में यहाँ पे पबजी मोबाइल का इंडियन वर्जन देखने को मिले, जो कि कोई इंडियन कंपनी यहाँ पे इंडिया में पब्लिश करे। और ऐसा नहीं हो सकता कि पबजी मोबाइल अपने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 25% जो प्लेयर बेस है वो इंडिया से ही आता होगा पबजी मोबाइल का, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे पबजी मोबाइल अपने जो प्लेयर बेस को यहाँ पे लूज करना चाहे, क्योंकि आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे जो वियतनाम और यहाँ पे जो ताइवान कंट्री है तो उनमें मेरे ख्याल से इंडिया से काफी कम ही लोग यहाँ पे खेलते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे इन्हीं जो स्मॉलों की ऑडियंस है उनको रिटेन करने की भी ट्राई की है, उनको अपने पास रखने की भी ट्राई की है। तो ऐसा नहीं होगा कि अपनी वो यहाँ पे जो 25% ऑडियंस है पबजी मोबाइल को उसको लूज करें। तो यहाँ पे आपको इंडियन वर्जन मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे यहाँ पे डाटा और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लिए बैन करती है। लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट किसी और रीजन से इसको बैन करती है, जैसे कि एडिक्शन और बाकी कोई और रीजन हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पबजी मोबाइल का कोई वर्जन नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको भी यहाँ पे फिर बैन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पबजी मोबाइल इसे जो डाटा सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी के लिए बैन करती है, तो आपको हो सकता है कि फ्यूचर में एक जो पबजी मोबाइल का इंडियन वर्जन देखने को मिले, जो कि हमारे जो नॉन टेंसेंट ब्रांड का हो या फिर उसे कोई इंडियन कंपनी यहाँ पे जो पब्लिश करे इंडिया में। तो अब तक सिर्फ यहाँ पे वैसे लिस्ट ही तैयार हुई है, तो जैसे यहाँ पे कोई अपडेट आता है कि पबजी मोबाइल बैन हुआ है और आगे इसके रिलेटेड क्या अपडेट आया, तो आपको मैं यहाँ पे वीडियो बना के बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पे काफी लोग पूछते हैं कि जो हमारा एंशिएंट सीक्रेट मोड है तो वो कब रिलीज होगा। तो यहाँ पे जो एंशिएंट सीक्रेट मोड है वो आज पबजी मोबाइल ने अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक इमेज पोस्ट किया है, तो देख सकते हो इसमें क्लियरली मेंशन है जो हमारा अनटोल्ड द एंशिएंट सीक्रेट मोड है वो आप कॉर्नर में देख सकते हो, यहाँ पे 4 अगस्त को यहाँ पे अनलॉक होगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा यहाँ पे जो हमारा एक लाइब्रेरी मोड आया है जो आपको कस्टम रूम में अभी आप खेल सकते हो, लेकिन वो जो
लाइब्रेरी मोड आपका जो प्ले लैब में है तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे 31 जुलाई को अनलॉक होगा। और वैसे आपको यहाँ पे जो लाइब्रेरी मोड है वो सिर्फ 3 दिन के लिए खेलने मिलेगा, जो फ्राइडे सैटरडे संडे, तो इन तीनों डेज पे आप उस लाइब्रेरी मोड को खेल पाओगे। बाकी इसके बाद यहाँ पे 4 अगस्त को ये एंशियंट सीक्रेट मोड अनलॉक हो जाएगा और आप इसे यहाँ इरांगल या मीरामार पे खेल सकते हो। और इसके साथ यहाँ पे अगर एंशियंट सीक्रेट मोड को आप खेलते हो तो इसके अंदर आपको वही जो मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ती है, इजिप्शियन मिस्ट्रीज हैं, तो इसके ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि इस मोड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा तो आप वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए गुड बाय।